नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाले ओटीआई और डब्ल्यूटीआई के बारे में। ओटीआई क्या होता है, डब्ल्यूटीआई क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करते हैं तथा ओटीआई डब्ल्यूटीआई को ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है, ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, डब्ल्यू टी आई को वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर कहा जाता है तथा ओ टी आई को ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कहा जाता है। डब्ल्यू टी आई और ओ टी आई जो 500 KVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। डब्ल्यू टी आई बाइंडिंग का टेम्परेचर मेजर करता है तथा ये अलार्म और टिपिंग दोनों प्रोवाइड करने का काम करता है। तथा ओ टी आई जो है वो टॉप ऑयल का टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है। तथा ओ टी आई से भी हम अलार्म तथा टिपिंग दोनों प्राप्त कर सकते हैं। डब्ल्यू टी आई और ओ टी आई ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह से लगे होते हैं, ये आप देख रहे हैं जैसा कि डायग्राम में। तो ये जो सेंसर बल्ब है, ये डब्ल्यू टी आई का सेंसर बल्ब है जिसके चारों ओर ये हीटर लगा हुआ है, जिसके कनेक्शन सी टी से होते हैं जो इसकी बुशिंग में लगा रहता है, ट्रांसफार्मर की एच वी बुशिंग में। तथा उस इससे अगर देखें तो बाइंडिंग टेम्परेचर मापने का एक यही तरीका होता है, जिसमें सी टी के माध्यम से सेकेंडरी में हम हीटर को कनेक्ट करते हैं और ये सेकेंडरी में जो करंट प्रोवाइड कराएगा सीटी, वो ट्रांसफार्मर की लोडिंग के अकॉर्डिंग ही होगा, इसके समानुपाती होगा और उसी हिसाब से यहाँ पे हीटर में हीट जनरेट होगी और जिसको ये इंडिकेटर के रूप में डब्ल्यू टी आई प्रदर्शित करेगा और ये बाइंडिंग का टेम्परेचर दिखाएगा। इसका उसी हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है। तथा ये ओ टी आई को भी ट्रांसफार्मर के टॉप कवर में पॉकेट होता है जिसमें बल्ब सेंसर को डाला जाता है, जो ट्रांसफार्मर के टॉप ऑयल को के टेम्परेचर को सेंस करता है तथा उसको यहाँ पे इंडिकेटर पे दिखाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ओटीआई और डब्ल्यूटीआई ट्रांसफार्मर पे लगे हुए होते हैं। अभी आप सभी ने देखा था कि ट्रांसफार्मर में डब्ल्यूटीआई और ओटीआई को किस प्रकार से लगाया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सेटिंग कौन कौन सी करते हैं। तो इसमें दो तरह की सेटिंग होती हैं, एक अलार्म की सेटिंग और एक ट्रिपिंग की सेटिंग, दोनों में की जाती हैं, ओटीआई में और डब्ल्यूटीआई में। तो जो बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर डब्ल्यूटीआई होता है उसमें अलार्म की सेटिंग 85 और ट्रिपिंग सेटिंग 95 होती है। तो ये इसलिए की जाती है, 85 अलार्म की सेटिंग है, अगर बाइंडिंग का टेम्परेचर 85 से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में ये अलार्म देता है। तथा अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, तो ये ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। इसी तरह से ओटीआई में जो सेटिंग की जाती हैं, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बाइंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए इसकी सेटिंग जो है डब्ल्यूटीआई से कम की जाती हैं। इसमें अगर डब्ल्यू टी आई में देख रहे हैं आप, अलार्म की सेटिंग 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे ओ टी आई में हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास करते हैं। तथा ट्रिपिंग की सेटिंग 90 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है हमने एग्जांपल में। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड जब ऑयल का टॉप ऑयल का ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर पहुँचेगा तो उस कंडीशन में ये अलार्म देगा। तो तथा जब 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर और रेज करता है, बढ़ता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं डब्ल्यू टी आई और ओ टी आई के बारे में। इसमें देखते हैं कि ये सेटिंग कहाँ पर की जाती हैं। तो कुछ इस तरह के डब्ल्यू टी आई ओ टी आई इस तरह के देखने में होते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो नेडल दिखाई दे रही है ये वाइंडिंग का टेम्परेचर, करंट का टेम्परेचर दिखाता है। डब्ल्यू टी आई है ये, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये करंट का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। तथा ये मैक्सिमम टेम्परेचर बाइंडिंग का दिखाता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया हुआ है इस पर।
तथा ये अलार्म सेटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जो मैंने अलार्म सेटिंग बताया था बेंडिंग के टेम्परेचर को सेट करने के लिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड में जो सेट करते हैं वो हम यहाँ पे सेट करते हैं, तथा ट्रिपिंग की सेटिंग को हम यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से अगर ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की बात करें, ओटीआई की बात करें, तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर में आप देखेंगे ये इंडिकेटर दिखा रहा है जो आपका करंट का टेम्परेचर है ऑयल का, टॉप ऑयल का, तथा ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया हुआ है उसको इंडिकेट कर रहा है, तथा यहाँ पे हमें ट्रिपिंग की अलार्म की सेटिंग मिल जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अलार्म की ओटीआई के अलार्म की सेटिंग दी हुई है, तथा यहाँ पे जो है ट्रिपिंग की सेटिंग दी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हम सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ से चेंज किया जा सकता है अलार्म और ट्रिपिंग की सेटिंग। तो दोस्तों ये था ओटीआई और डब्ल्यूटीआई के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।